लड़के को देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर यह बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह संजय दत्त की फिल्म खलनायक का गाना बैकग्राउंड में लगाकर इस लड़के का वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल किया जा रहा है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है ये लड़का और इसने आखिर ऐसा क्या किया है जो पुलिस इसे पकड़कर कोर्ट में ले जा रही है। और उससे भी अलग बात यह है कि इस लड़के के चेहरे की मुस्कान भी बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटी सी उम्र में ये बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कई लोगों की इसने हत्याएं की हैं। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कोई और ही मामला है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये लड़का कौन है, कहां का रहने वाला है और इसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो पुलिस इसे हथकड़ी पहनाकर कोर्ट में ले जा रही है। इस लड़के के बारे में जो इस वीडियो में जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक एक बातें बहुत ही डिटेल से आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, जिसे देखने और सुनने के बाद शायद आप भी कहेंगे वैसे तो जुर्म करना बहुत ही ज्यादा गलत है लेकिन फिर भी आप इस लड़के को शाबाशी देना जरूर चाहेंगे। तो चलिए बिना देर करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। इस लड़के की तस्वीर देखिए, कभी ये जेल में होता है, कभी पुलिस इसे पकड़कर कोर्ट में ले जा रही होती है और कभी ये चलती सड़क पर वीडियो लोग इसका बना रहे होते हैं। लेकिन जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक बात कॉमन है, ये हर वीडियो में बहुत ही मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है और इसके हर वीडियो में संजय दत्त की फिल्म खलनायक का गाना बजता है। इस लड़के की बात करें तो पंजाब के कपूरथला में 28 अगस्त की रात गांव वेशनपुर जट्टा, जो कपूरथला के नजदीक है, एक व्यक्ति का शव लवलुहान अवस्था में मिलता है। मरने वाले की पहचान ओंकार सिंह के रूप में हुई। उसकी तेज धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि ओंकार ने 2015 में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया, जिसे इस जुर्म के लिए 10 साल की सजा हुई। लेकिन कोरोना काल में उसकी सजा खत्म हुई तो उसे रिहा कर दिया गया। ओंकार ने जिस बच्ची के साथ रेप किया उसकी मौत हो गई थी। इसी सदमे के चलते उसके पिता का भी देहांत हो गया। इस घटना की रंजिश इस लड़के के मन में थी जो उस वक्त सिर्फ 10 साल का था। 28 अगस्त की रात यही लड़का, जिसका नाम लवप्रीत सिंह बताया जा रहा है, मौका देखकर तेज धार वाले हथियार से ओंकार सिंह की हत्या कर दी। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में ले जाते वक्त उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उसके चेहरे पर विजय का भाव दिखाई दे रहा है। वो मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखा रहा है। उसके चेहरे पर विजय वाली मुस्कान देखने को मिल रही है। अब इस खबर का दूसरा पहलू भी सुनिए। आपको उज्जैन का कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप तो याद होगा, वही दुर्लभ कश्यप जिसने कम उम्र में जुर्म की दुनिया में अपराध का नया पहाड़ा सीखा था। दुर्लभ कश्यप 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आया था और 20 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावों के साथ एक दावा यह भी किया जा रहा है कि यह लड़का दुर्लभ कश्यप गैंग का है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह दुर्लभ कश्यप गैंग का नहीं है। तीसरी बात, इस लड़के के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यह लड़का जो सोशल मीडिया पर आज के मौजूदा वक्त में लगातार वायरल हो रहा है, इस लड़के का नाम है अड्डू भाई, जो दिल्ली के वेलकम इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। अड्डू भाई बताकर इस लड़के के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसने महज 300 रुपए के खातिर आसिफ नाम के एक लड़के का दिल्ली के वेलकम इलाके में मर्डर कर दिया था। जिस वक्त इसने आसिफ को मारा था उस वक्त आसिफ अपनी माँ से 300 रुपए लेकर घर में आटा खरीदने के लिए जा रहा था। लेकिन जिस वक्त इसकी हत्या हुई आसिफ के जेब में 350 रुपए मिले थे। उसकी माँ का बयान निकल कर सामने आया था कि आसिफ 300 रुपए मांग कर आटा खरीदने के लिए जा रहा था, तभी अड्डू भाई ने उसकी हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर इस लड़के के लिए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं लेकिन जो दावा प्रमुखता से सबसे ज्यादा पुख्ता दिखाई दे रहा है वो पंजाब का कपूरथला का विशनपुर भट्टी गांव का है। ये लड़का अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने बहन के हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया है। यही इस पूरी कहानी की सच्चाई है। इस लड़के के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या इस लड़के ने अपनी बहन के हत्यारे को मौत के घाट उतारकर सही किया या फिर उसे कानून का मदद लेना चाहिए था? फिलहाल अगर वो ऐसा करता तो इस तरह से पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर कोर्ट में लेकर नहीं जा रही होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस लड़के ने बहुत सही किया अपनी बहन का बदला लेकर। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।